डायबिटीज़ मधुमेह की को कैसे परिभाषित करते हैं हम लोग अपने अपने स्टूडेंट्स को भी एक सवाल पूछते हैं कि कैसे डिफाइन करोगे डायबिटिक है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी परिभाषा अलग दी तो हम लोग तीन देयर थ्री थिंग्स फास्टिंग पी पी एच बी ए वन सी तो फास्टिंग का कट ऑफ जो है 126 है डब्ल्यू एच ओ ने रखा है पी पी का 60 ईयर्स से कम लोगों को 180 और सिक्सटी ईयर्स से ऊपर जो एल्डरली लोग हैं उनमें दो सौ और तीसरा एच बी 6.5 सी सिक्स पॉइंट फाइव छः पॉइंट दशमलव पाँच तीन में से दो अगर कॉन्टिन्यूसली दो ओकेजन पे बढ़े हुए हैं तो ही इज ए डायबिटिक ये परिभाषा हुआ डायबिटीज का तो डायबिटीज को परिभाषित करने में तीन चीज हो गया क्या क्या फास्टिंग ब्लड शुगर पीपी एंड एन एच ऐसा नहीं कि बहुत लोग सिर्फ फास्टिंग बढ़ गया तो वो डायबिटिक हो गया बहुत गलत भ्रांतियाँ हम लोगों में समाज में एक्चुअली जानते नहीं बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एक्चुअली डायबिटीज़ को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं परिभाषित कैसे करते हैं तो फास्टिंग ब्लड शुगर वो एक कट ऑफ है उससे ज़्यादा आ रहा है पी पी या दो सौ एच बी एम सी सिक्स पॉइंट फाइव तीन में से दो अगर दो कॉन्टीन्यूस या कॉन्जिक्यूटिव ओकेजन पे मौक़ों पर अगर बढ़े हुए हैं बढ़ा हुआ रिपोर्ट्स है दोनों का तो हम लोग इसको ऐसे पेशेंट को हाई सस्पेक्ट करके डायबिटिक घोषित कर देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अब 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 सवाल उठता है ट्रीटमेंट किसका किया जाए डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कई श्रेणियों में है पहला है कि डाइट से करते हैं दूसरा फिजिकल एक्टिव शारीरिक परिश्रम से करते हैं और तीसरा है कि डाइट शारीरिक परिश्रम एंड ड्रग्स दवाएं तो दवा दवा किसको चलेगा उसका भी इंडिकेशन है हर चीज़ इंडिकेशन है ऐसा नहीं कि किसी का शुगर बढ़ा हुआ चलो दवा शुरू कर देते हैं आज से वो हर चीज़ का प्रोटोकॉल बना हुआ है बहुत क्लिस्ट कॉम्प्लिकेटेड साइंस है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट साइंस है सब लोग नहीं जानते बहुत आसानी से बिहार में हर आदमी हमारे देश में डॉक्टर बन गए हैं दवा दुकान वाले हों चाहे जांच वाले हों चाहे कोई हो आम पब्लिक भी अगर हम तो पैसा लेके फिज प्रैक्टिस करते हैं तो बताते हैं यहाँ लोग ऐसे हैं जो बिना पूछे हुए भी बता इसलिए इतना आसान नहीं है पहले डायबिटीज़ को जानिए डिफाइन कीजिए डायबिटीज़ है क्या डायबिटिक अगर डिसाइड हो गया कि है तो फिर ट्रीटमेंट शुरू किए उसको मौका दिए उसका मैग्नीट्यूड क्या है अभी हमारे वर्ल्ड में दो फाड़ है डायबिटिक्स में डायबिट चूँकि हम आई एम डॉट नॉट ए डायबिटोलॉजिस्ट लेकिन हम एम हैं हम पी सीनियर डॉक्टर हैं तो हमारे कई पेशेंट रिस्परेटरी के हैं जो डायबिटिक्स भी हैं तो उनको हम डायबिटीज का भी इलाज कर देते हैं तो अभी दो फाड़ है एक ग्रुप कहता है कि जैसे ही डायबिटीज़ पता चले इंसुलिन शुरू कर दो और दूसरा ग्रुप है कंजर्वेटिव अप्रोच का वो कहता नहीं ओरल टैबलेट्स दो नहीं सुने उसको बचा के रखो तब इंसुलिन दो तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है इस पर हर डॉक्टर का अपना अप्रोच अलग है मेरा अप्रोच है कि हम पहले डाइट और शारीरिक परिश्रम और दवाओं से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इंसुलिन का इंडिकेशन फ्यू है कुछ है ऐसा नहीं कि सबको इंसुलिन चला दिया जाता है तो ये भ्रांति भी लोग ख़त्म करें हम और बहुत लोगों को आजकल डायबिटीज़ होना शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा हम लेबर क्लास में देख रहे हैं आजकल तो देखा एक मेरे पास मेरे उस क्लिनिक में राजीव ने क्लिनिक में देखा एक पेशेंट 1200 सौ को वो इंसुलिन पेन लगा के पहुंचा हुआ था वर्ज ए लेबर हम बोले अरे तुम क्या लगाए हो तो सर हमको एक डॉक्टर साहब लिख दिए हैं तो तुम इंसुलिन ले पाएगा 1200 सौ तो तुम्हारे सारे पेन का दाम है उसको हमने उसको हटाया इंसुलिन पेन औरल टैबलेट्स पर रखा रिपोर्ट लेके एक वीक बाद आया उसका घटना शुरू हो गया टैबलेट्स पर छोड़ दिए हैं उसको हाँ डॉक्टर साहब ये बताए कई कई बार इन सब जांच के अलावा पेशाब की जांच भी करवाते हैं उनसे भी पता चलता है क्या डायबिटिक है है कि नहीं ठीक है पेशाब का जांच हर के लिए पॉसिबल है बहुत लोगों के लिए भी होता है महिलाओं के लिए खासकर हमारा जो देश है इसमें बहुत जगह ऐसा भी होता है कि बहुत ल, यूरिनल नहीं है लैब नहीं तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम तो ऐसे कंडीशन में खून का जाँच जो हमने बताया तीन क्राइटेरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है और यूरिन का कॉरेस्पॉन्डिंग कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसा देखा गया है कि शुगर ब्लड में बढ़ा हुआ यूरिन में नहीं आया बहुत लोग सिंपली गांव में क्या कहते हैं स्क्रीनिंग करते हैं उसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं अल्लाह न पेशा तुम्हारा देख लेते हैं करके तो उसको पॉजिटिव आ गया तो ठीक है नहीं भी आ सकता है कई बार ऐसा होता है जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक किडनी हो जाता है जिनको वो लोग यूरिन में नहीं आता है, लेकिन ब्लड में शुगर बढ़ा रहता है इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग इसको यूरिन बोला जाता है इसलिए यूरिन ब्लड का भी कराते हैं और यूरिन का भी कराते हैं तब दोनों के सामंजस्य के रिपोर्ट से फाइनली कंक्लूड करते हैं ऐसा नहीं कि खाली यूरिन में आ गया या नहीं आया तो डिसाइड कर लिए। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सिंपल टेस्ट है जो हमने ब्लड का तीन टेस्ट बताया ये सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर